उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है आकिब फारूक आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी तो गाइस शुरू करने से पहले आपको बताते चलेंगे ये जो वीडियो सेशन है बहुत ही हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट्स या उन कैंडिडेट्स के लिए जो नाइलेट एस बैंक यूपीएससी जेके या बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जामिशन के लिए जो तैयारी करते हैं स्टार्ट करने से पहले हम देखें कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कौन सी ज्ञानफुल इंफॉर्मेशन हासिल होगी गाइज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर के बारे में पता चलेगा उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के सिफात कौन कौन से हैं कंप्यूटर सिस्टम का एवोल्यूशन क्या है प्रेजेंट फॉर्म कंप्यूटर सिस्टम की कैसी है पुराने जमाने में कंप्यूटर कैसे दिखते थे कितनी जनरेशन पीछे हो चुकी है कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी जनरेशन चल रही है हर एक जनरेशन में कौन कौन सा डिवाइस यूज किया जाता था सॉफ्टवेयर यूज किया जाता था विद यू नाउ गाइस हमारा पहला टॉपिक जो है दैट विल बी डीलिंग कंप्यूटर बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कंप्यूटर सिस्टम की है ये जो वर्ड कंप्यूटर है एक्चुअली <coughs> ये निकला है कंप्यूट से तो कंप्यूट के माने हैं टू कैलकुलेट एटमोलॉजली अगर हम देखें इफ गो बैक टू हिस्ट्री वी विल सी दै दिस वर्ड कंप्यूटर हैलकुलेट कैलकुलेट के माने ही गन्ना तो इससे हमें पता चलता है कि बेसिकली ये जो कंप्यूटर सिस्टम था ये एक ऐसी मशीन थी जिसको बनाया गया था कैलकुलेशन के लिए जो अर्थमेटिक ऑपरेशन करता था आज के डेट में हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम है इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू कैलकुलेशन बट ऑलमोस्ट ऑल द जॉब्स आर बीइंग डन ऑन कंप्यूटर सो नाउ वी कैन सी दैट कंप्यूटर सिस्टम इज ए जनरल पर्पज मशीन इन अर्लियर टाइम इट वॉज कंसिडर्ड एज अ कैलकुलेटिंग मशीन बट नाउ इट इज नॉट अ कैलकुलेटिंग मशीन इट हैज नॉट बी लिमिटेड टू कैलकुलेशन पर्पज बट नाउ All the jobs are being done on computer. So सो वी कैन से दैट दिस कंप्यूटर सिस्टम इज ए जनरल परपज मशीन और कंप्यूटर सिस्टम जो है ये एक अलैक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसपे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं बहुत ही हाई स्पीड के साथ और खास कर हम इस पर डाटा प्रोसेस करते हैं स्टोर करते हैं इससे डाटा रिट्रीव भी कर सकते हैं जब हमें चाहिए गाइज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाटा प्रोसेसिंग के रिलेटेड What is इज by data डाटा प्रोसेसिंग activity एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डाटा यूजिंग computer is इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग अगर हम मैनली देखें कि डाटा और इन्फॉर्मेसन में क्या फ़र्क है तो आम हालात में हमें इन दोनों दो टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं दिखती है बट इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन डाटा इज अ रॉ मटीरियल यूज एज इनपुट

जो डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन जिस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जिस तरीके से आपको रिजल्ट चाहिए सो इन्फॉर्मेशन इज़ द रिज़ल्ट सिनोनिमस टू रिज़ल्ट तो डाटा को हम क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैप्चर द डाटा पहले हम डाटा को कैप्चर करते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस आफ्टर दैट हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं मैनिपुलेट के माने हम डाटा को प्रोसेस में छोड़ते हैं फिर वो बीच में प्रोसेस हो जाता है आफ्टर दैट डाटा गोज फॉर आउटपुट रिजल्ट उसके बाद ये जो डाटा है आपको रिजल्ट देता है थ्रू आउटपुट डिवाइसिस एंड आफ्टर दैट दिस गैनफुल इंफॉर्मेशन इज बींग प्रेजेंटेड टू यू इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन अभी इंफॉर्मेशन बन गया है अब डाटा नहीं रहा ओके सो बेस्ट एग्जाम्पल विल बी लाइक वन प्लस टू वन प्लस टू ये जो क्वेश्चन हमने दिया है कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए इट्स अ डाटा क्योंकि हम कंप्यूटर सिस्टम से ही पूछते हैं कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करके दीजिए तो दैट मीन इट्स अ डाटा इट इज नॉट एनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इसको प्लस करके जो भी इंफॉर्मेश जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे सो वन प्लस टू जब इनको ऐड किया जाएगा तो ये थ्री बन जाएगा थ्री इज नाउ नॉट ए डाटा इट इज इंफॉर्मेशन आइट सो देयर इज ए लॉर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डाटा गाइज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर कररेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के माने हैं कंप्यूटर के सिफात कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से सिफात हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि कंप्यूटर सिस्टम का जो सबसे बड़ा फीचर है दैट इज इट इज ऑटोमेटिक गिवन ए जॉब कंप्यूटर के वर्क ऑन इट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस कंप्यूटर सिस्टम एक ऑटोमेटिक मशीन है इट इज नॉट मैनुअल दैट मीन्स इट नीड्स ए यूज टू ऑपरेट बट द ऑपरेशन इट डज आर ऑटोमेटिक दे आर नॉट मैनुअल और नेक्स्ट जो फीचर है कंप्यूटर सिस्टम का दैट स्पीड अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड के बारे में बात करेंगे कंप्यूटर कैन परफॉर्म डैटा प्रोसेसिंग जॉब्स वेरी फास्ट इफ़ यूल सी आप कैलकुलेटर पे देखते हो कि कोई भी कैलकुलेशन आप करते हो उसका रिजल्ट बहुत ही फास्ट आ जाता है तो इसी तरह हम कंप्यूटर सिस्टम की ये जो डाटा प्रोसेसिंग स्पीड है उसको हम मेजर करते हैं माइक्रो माइक्रोसेकेंड्स में माइक्रो माइक्रोसेकेंड्स का जो वैल्यू होता है टेन रिज़ पावर माइनस सिक्स नाइनो सेकेंड्स माइनस नाइन एंड पिकोसेकंड्स ओ सेकेंड्स टेन पावर माइनस ट्वेल्व तो आप ऐसे समझोगे कि अगर हम एक सेकेंड का वन हंड्रेड पार्ट देखेंगे एक सेकेंड के वन हंड्रेड पार्ट या वन थाउजेंड था। पार्ट में भी हमें ये प्रोसेस करके देता है किसी भी डाटा को <coughs> तीसरा पॉइंट है दैट इज एक्यूरेसी ओके कंप्यूटर सिस्टम जो भी रिजल्ट देता है दैट इज ऑलवेज एक्यूरेट इट्स रिजल्ट इज ऑलवेज एक्यूरेट तो डाटा का जो रिजल्ट है वो तभी गलत आता है जब उसको हम इनपुट गलत देते हैं एक्यूरेसी ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉन्सिस्टेंटली हाई अगर ह्यूमन एक्योरेसी देखेंगे ह्यूमन एक्योरेसी बहुत ही लो है पर अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की एक्यूरेसी देखेंगे बहुत ही बहुत ज़्यादा होती है सो इट डिपेंड्स अपॉन इट्स डिज़ाइन कंप्यूटर सिस्टम कैसा होगा सुपर कंप्यूटर होगा तो उसका जो ये जो एक्यूरेसी वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा होगा कंप्यूटर सिस्टम जितना कम होगा लेस पावरफुल होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी कम होगी बट एज कंपेयर टू ह्यूम जनरली इफ यू विल टॉक दैट कंप्यूटर सिस्टम पॉजेस मोर एक्सी पावर तो कंप्यूटर सिस्टम रिजल्ट क्यों गलत देता है कंप्यूटर कंप्यूटर एरर्स कॉज्ड ड्यू टू इनकरेक्ट डाटा इनपुट डाटा कंप्यूटर सिस्टम तभी आउटपुट या रिजल्ट गलत देता है जब उसको यूजर कोई गलत इनपुट देता है ओके तो थर्ड पॉइंट है कंप्यूटर सिस्टम का दैट्स इंटेलिजेंस कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटॉनी टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन अगर हम एक ह्यूमन की बात करें एक ह्यूमन लगातार एक ही काम करने से बहुत ही तंग आता है थक जाता है और बहुत ही आवर्स लॉन्ग लॉन्ग आवर्स अगर एक इंसान काम करता है

कंप्यूटर सिस्टम थक नहीं जाता है कंप्यूटर सिस्टम की जो कंसनट्रेशन एक्यूरेसी है एफिशिएंसी है वो कम नहीं होती है इट कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर एंड विदाउट ग्रामरिंग ओके सो आप इस डेफिनेशन से अच्छे से समझ पाओगे कि कंप्यूटर सिस्टम पे आप लगातार 16 घंटे 20 घंटे 30 घंटे तीन दिन चार दिन काम करो जैसे कंप्यूटर सिस्टम पहले रिजल्ट देता था वैसा ही रिजल्ट ये आखिरी दिन में भी देगा एंड फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट वर्सटैलिटी कंप्यूटर सिस्टम इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क ओके वर्सटाइल के माने हैं मल्टीपर्पज कंप्यूटर सिस्टम लगभग लगभग हर कोई काम करता है इफ द टास्क कैन बी रिड्यूस टू अ फाइन सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स तो वर्सटैलिटी के माने हैं हम ऐसे देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम एक मल्टीपर्पज़ मशीन है कंप्यूटर सिस्टम को हम कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं कैलकुले हम कंप्यूटर सिस्टम को डाटा स्टोरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं डाटा प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ करते हैं अच्छा वीडियो देखने के लिए म्यूज़िक प्ले करने के लिए इंटरनेट सर्फिंग के लिए डेट इस वर्सटैलिटी एंड सिक्स पॉइंट इज पावर ऑफ रिम्बरिंग पावर ऑफ रिमेंबरिंग के माने हैं कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा ताकत है ऐसी एबिलिटी है सो दैट इट कैन रिटेन द डाटा कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकाल एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ इट इसकेंडरी स्टोरेज कैपेबलिटी कंप्यूटर सिस्टम में दो टाइप की मेमरी uh, होती हैं ये हम पढ़ेंगे जब हम स्टोरेज डिवाइस को डिफाइन करेंगे तो फिलहाल हमें यहाँ पे जानना है कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम है इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि वी कैन स्टोर डाटा इन इट एंड वी कैन रिट्रीव दिस डाटा इन फ्यूचर एक साल के बाद दो साल के बाद पाँच साल के बाद दस साल के बाद भी आप इससे डाटा निकाल सकते हो और यूज़ कर सकते हो इस कंप्यूटर से डाटा लूज नहीं होता है चला नहीं जाता है न ये कंप्यूटर सिस्टम इस डाटा को भूल जाता है दैट इज द मैन फीचर ऑफ दिस एंड फाइनली सेवंथ पॉइंट इज कंप्यूटर सिस्टम हैज़ नो आई क्यू इंटेलिजेंस कोट जो कंप्यूटर सिस्टम का है वो नहीं है जैसे ह्यूमन का है ए कंप्यूटर डज ओनली वाट इट इज प्रोग्रामड टू डू कंप्यूटर सिस्टम खुद नहीं समझेगा कि ये जो इंसान है ये क्या चाहता है ओके कंप्यूटर सिस्टम वही करता है जो इसको कराया जाता है जो काम आपको कंप्यूटर सिस्टम पे करनी होगी वही काम ये करता है तो कंप्यूटर सिस्टम खुद नहीं समझता है कि इस इंसान को क्या चाहिए इसको कौन सी काम चाहिए इसको कौन सी हेल्प चाहिए इट कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन इन दिस रिगार्ड ओके अगर आपके दिमाग में Uh, ऐसा आता है कि मुझे म्यूज़िक प्ले करना है तो कंप्यूटर सिस्टम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर कर पाता है कि इसकी दिमाग या इसका दिल जो है वो चाहता है कि वो म्यूज़िक सुने दैट मीन्स कंप्यूटर सिस्टम हैज़ नो आई क्यू एंड फाइनली लास्ट पॉइंट इज़ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ नो फीलिंग्स इट इज़ डिवाइड ऑफ इमोशंस इसकी कोई भी इमोशन नहीं है इसकी भी इसकी कोई फीलिंग नहीं है दो कंप्यूटर्स आर मशीन्स एंड मशीन आर डिड ऑफ इमोशंस सो आप कंप्यूटर सिस्टम के आगे रो आप कंप्यूटर सिस्टम के आगे हंसो आप परेशान हो आप खुश हो वट्स विल बी योर मूड कंप्यूटर सिस्टम कॉन्ट अंडरस्टैंड योर इमोशंस आप चलाओ कंप्यूटर सिस्टम के सामने कंप्यूटर सिस्टम कॉट हेल्प यू आप कंप्यूटर सिस्टम के आगे हंसो जोर जोर से हंसो कंप्यूटर सिस्टम इज एक्चुअली डिवाइड ऑफ इमोशंस सो दिस इज वन ऑफ द बैड फीचर ऑफ कंप्यूटर दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो कैरेक्टरिस्टिक में हम ऐसे ही पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक के माने हैं एडजेक्टिव ऐसे समझो तो एडजेक्टिव में दोनों आते हैं गुड एंड बैड जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए इनमें कुछ गुड एडजेक्टिव भी थे और बेड एडजेक्टिव भी थे आउ राइट गाइज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का वजूद कब हुआ किस डेट से हुआ पहला कंप्यूटर किसने बनाया और आजकल हम जो ये कंप्यूटर देख रहे हैं एक्चुअली इनकी जो ये Uh, पैदाइश है पहले कहाँ से हुई जन्म इनका कहाँ से हुआ सो प्लेस पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन इन सिक्सटीन दिस टू डेट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट एंड द मशीन्स टू दैम बैरन गॉड फ्राइड विल हेल्प इन्वेंटेड द फर्स्ट कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लीकेशन इन सिक्सटीन सेवेंटी वन कीबोर्ड मशीन्स ऑरिजिन हो गई यूएसए में पहले अराउंड एटीन इसी दौरान एटीन में हर मैन कैम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच कार्स दैट वर एक्सटेंसिवली यूज एज इनपुट मीडिया ऑन लेट नाइनटीन जब हम जनरेशन uh, पढ़ेंगे कंप्यूटर्स की तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा पंचर कार्ड तो वहाँ पे आप देखोगे तो फ़िलहाल आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखें और इनको ज़ुबानी याद करके रखें 1642 में ब्लेस पासकल ने क्या बनाया अच्छा या हम ऐसे भी बोलते हैं कि फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कब बनाई गई और किसने बनाया सो रिमेंबर दिस पॉइंट्स चार्ल्स बबीज को मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का फादर माना जाता है क्यों वाई चार्ल्स बबीज इज़ रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स. बिकॉज ही डिज़ाइन इट डिफ्रेंस इंजन इन 1822 हंड्रेड टू द डिज़ाइन ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर आजकल का जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं इसकी एक्चुअल जो बेस है इसकी एक्चुअल जो फाउंडेशन है वो चार्ल्स बबेज के कंप्यूटर से ही बनी है दैट्स वाई चार्ल्स बबेज इज़ कॉन्सिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स कुछ पुराने कंप्यूटर्स हैं जिनको याद रखना बहुत ही अहम है जो बहुत ही मशहूर कंप्यूटर थे फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मार्क वन कंप्यूटर जो 1937 से 44 तक रहा और इसके बाद एटनोसोफ बेरी कंप्यूटर 1939-1942 इनाइक दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट 1943 से 1946 तक इडवैक 1946 से 52 इडसैक 1947 से 49 मैनचेस्टर मार्क 1 1948 एंड यूनिवैक फर्स्ट 1951 तो आपको फ़िलहाल क्या करना है आपको खाली इन कंप्यूटर्स का नाम याद रखना है अगर वहाँ पे एग्ज़ाम्पल आएगी एग्ज़ाम में <coughs> यानी कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर अर्ली कंप्यूटर है वहाँ पे इनायक आएगा वहाँ पे एडवैक आएगा आपको में से कोई भी ऑप्शन चूज करना होगा तो इजीली आप कर सकते हो जब आपने आ, मतलब इन कंप्यूटर्स को याद रखा होगा हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में वॉट आर द जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में जनरेशन किसको कहते हैं जनरेशन इन कंप्यूटर टॉक इज़ अ स्टेप इन टेक्नोलॉजी दैट मीनस हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में जनरेशन उस चीज को कहते हैं जब टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ जा जाए मिसाल के तौर पर पुराने जमाने में बड़े बड़े कंप्यूटर यूज किए जाते थे उनका साइज बहुत बड़ा होता था मानो कि एक हाउस के बराबर थे या एक रूम के बराबर थे आज हम वही कंप्यूटर देख रहे हैं हम उनको हाथ में लेते हैं सो दैट मीनस दियर इज चेंज इन टेक्नोलॉजी इनिशियली ये जो जनरेशन है इट वॉज कॉन्स्टर्ड ओनली और इट वॉज लिमिटेड ओनली टू हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पुराने जमाने में जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में जब कोई चेंज आती थी इसी को जनरेशन कहा जाता था यानी कि अगर हम पहले देखें अभी जनरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे तो पहले ये जो कंप्यूटर होते थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया जाता था फिर जो दूसरे कंप्यूटर आए उनमें ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था सो दैट मीन्स देयर वॉज चेंज इन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी सो इनिशियली इट वॉज लिमिटेड टू दिस बट नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आजकल अगर हार्डवेयर में कोई चेंज आए इट मीन्स दियर इज नेक्स्ट जनरेशन एंड अगर सॉफ्टवेयर में कोई चेंज आ जाए यानी कि इफ दियर इज़ चेंज इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर और देयर इज द इम्प्रूवमेंट इन सॉफ्टवेयर वी मे सी दैट देयर इज नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स सो टिल टुडे आज के दौर में आजकल हम जो भी लैपटॉप uh, वगैरह चलाते हैं या आज हम अगर कंसीडर करेंगे कि हम किस जनरेशन में हैं प्लीज रिमाइंड इट वी आर इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स सो वी विल डिस्कस दैम वन बाई वन लेट्स मो एड गाइज फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा यहाँ पे दैट इज अबाउट द जनरेशन सो आपको क्या करना है कि आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है डेट उनको याद रखना है और डेट के अलावा सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है हार्डवेयर की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कौन किस जनरेशन में कौन सा डिवाइस यूज किया जाता था सो लेट्स बिगिन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 से 1955 रिमेंबर इट 1942 से 1955 तक जो भी कंप्यूटर्स यूज किए जाते थे दे वर 리가ర్డెడ్ एज़ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स तो उनमें क्या यूज किया जाता था कौन सा डिवाइस यूज किया जाता था दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन सो रिमेंबर इट उनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए जाते थे और उनमें पंच कार्ड्स यूज किए जाते थे जो हमने पीछे डिस्कस किया था पंचर कार्ड पंचर कार्ड की इमेज भी वहाँ पे आ गई है तो रिमेम्बर इट द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स और पंचर कार्डस का इस्तेमाल किया जाता था और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें वही मैं डिस्कस करूंगा कि इसका साइज कितना था इट वॉज बल्कि इन साइज हाईली अनरिलइबल ओके, लिमिटेड कमर्शियल यूज एंड कॉस्टली इसका जो कॉस्ट था बहुत ही ज्यादा था और इसको आम इंसान मतलब परचेज नहीं कर पाता था इसको कोई कंपनी या कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ही मतलब परचेज कर पाती थी डिफिकल्ट कमर्शियल प्रोडक्शन एंड डिफिकल्ट टू यूज बहुत ही मुश्किल होता था चूंकि इनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था तो वैक्यूम ट्यूब्स की सबसे बड़ी डिस हीटअप हो जाते थे

जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करेंगे यहाँ पे तो सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर तक रही ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थे उनको निकाला गया था हमने पहले ही कंसीडर किया कि हार्डवेयर में जो जब भी कोई चेंज आती थी इसको जनरेशन कहा जाता था तो यहाँ पे हार्डवेयर निकाला गया वैक्यूम ट्यूब और इसमें जो पंचर कार्ड्स थे उनको निकाला गया था उनमें जो ड्रॉबैक्स थे उनको मतलब जहन में रखते हुए कोई नया डिवाइस बनाया गया जिसका नाम था ट्रांजिस्टर तो ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज किया गया था यू नीड टू रिमेंबर इट पहली जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था और मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया गया था फॉर सेकेंडरी स्टोरेज पहले जमा पहली जनरेशन में सेकेंडरी स्टोरेज के लिए पंचर कार्ड्स का यूज किया गया था सेकेंडरी सॉरी सेकंड जनरेशन में सेकेंडरी uh, स्टोरेज के लिए कौन सा मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया था तो इसमें कौन सी बड़ी प्रॉपर्टी थी दे वर फास्टर स्मॉलर मोर रेबल एंड ईजियर इन प्रोग्राम देन प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनसे कहीं गुना ज्यादा ही फास्ट थे छोटे भी थे और रिलेबल थे कमर्शियल प्रोडक्शन वहाँ स्टिल डिफिकल्ट एंड कॉस्टली मगर ये जो इनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस था वो बहुत ही ज़्यादा था क्योंकि इसका कॉस्ट जो था दैट वाज वेरी टू दैट वाज टू मच सो एक uh, मतलब आम इंसान इसको खरीद नहीं सकता था इसकी बेस्ट एग्जांपल है हॉनीवेल फोर हंड्रेड 7030 सीडीसी 1604 सेवन जीरो थ्री जीरो वन सिक्स जीरो फोर यूनिवेक एल आर सी ओके सो आपको इतना याद नहीं रखना है आपको इसमें सिर्फ डेट और डिवाइस याद रखना है सबसे ज्यादा ओके लेट्स मूव टू थर्ड जनरेशन तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन सा डिवाइस यूज किया गया था हुँ? पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था सेकेंड जनरेशन में कौन सा ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज किया गया था आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स इतना ही याद रखना है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में आईसीस का यूज किया गया था ये जनरेशन 1964 से 1975 तक चली और इसमें क्या खास कोई कैरेक्टरिस्टिक था फास्टर स्मॉलर मोर लेबल इजियर चीपर टू प्रोड्यूस एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन ये जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे थोड़ा फास्ट थे स्मॉल भी थे कमर्शियलीजियर भी थे इस्तेमाल करने और साइंटिफिक कमर्शियल इंट्रेक्टिव बाकी चीज या कमर्शियल पर्पस के लिए इसको अच्छी तरह से यूज किया गया था आई बी एम थ्री सिक्स जीरो थ्री सेवन जीरो पी डी पी एट पी डी पी एलेवन सी डी सी सिक्सटी सिक्स हंड्रेड इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है नमो टू फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स फोर्थ जेनरेशन कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं प्रेजेंटली हम यूज करते हैं हम फिफ्थ जनरेशन में हैं पर हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स यूज के यूज करते हैं आप बोलोगे कैसे यू से नाउ हाउ अगर हम देखेंगे यहां पे अगर हम देखेंगे कि हम जो लैपटॉप्स यूज करते हैं हम जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं, उनमें एक होती है जिसको कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर यह एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है माइक्रो प्रोसेसर को आप मतलब सीपीयू भी कहते हैं ओके okay. तो हमें इस बात से पता चलता है कि जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है इनमें कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है इनमें फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर सॉरी इनमें जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर थर्ड जनरेशन में आईसी चिप्स एंड फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था जनरेशन 1975 से 1989 तक चली। ओके, तो चले जनरेशन आप यूज करते हो आपको खुद पता है कि इसका साइज कितना है ओके जस्ट लाइक लैपटॉप जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन हैंड हेल्ड लैपटॉप आप मतलब लैप में ले सकते हो इस कंप्यूटर को आप टेबल पे भी रख सकते हो छोटा सा लैपटॉप है आप मानो कि इसका साइज कितना रिड्यूस हो गया फर्स्ट जनरेशन से फोर्थ जनरेशन तक इस कंप्यूटर सिस्टम का साइज कितना रिड्यूस हो गया आप मानो एक हाउस फिर एक रूम के बराबर फिर मानो एक बॉक्स के बराबर और आजकल आप जो देख रहे हो हाथ में जो ले रहे हो टैबलेट आप लैपटॉप ले रहे हो ये एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम ही है तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है आई बी एम पी सी एपल सेकेंड टी आर एस वैक्स

वी आर इन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स तो फिफ्थ जनरेशन इन्होंने यहाँ पे लिखा है 1989 कुछ बुक्स में लिखा है 2010 से फिफ्थ जनरेशन में क्या है हुँ? हमने देखा कि फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था तो फिफ्थ जनरेशन में जो यूज किया जाए जाता है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें कंप्यूटर सिस्टम की बहुत मतलब स्पीड होगी कंप्यूटर सिस्टम खुद हो समझता होगा कि आप मतलब जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप खुद समझ जाओगे आपके फ़ोन में भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके फोन में भी मतलब इन्वॉल्व uh, है जैसे आप गूगल असिस्टेंट का यूज करते हो आप गूगल को बोलते हो ओके गूगल तो गूगल खुलता है आप बोलते हो कि शो मी द एटीएम नियर बाय शो मी द हॉस्पिटल नियर बाय सो गूगल फाइंड करता है इट रिकॉग्नाइज योर वॉइस दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वीडियो में यहाँ पे मतलब अटैच करूंगा आप उसको देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है आपने शायद सुना होगा कि ये जो रॉबर्ट सोफिया है रॉबर्ट सोफिया के बारे में आपने सुना होगा अगर नहीं सुना है तो देखिए मतलब यहाँ पे मैं एक लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे मैं एक शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ उसके बाद आप यूट्यूब पे भी जा सकते हो यूट्यूब पे देखो कि ये जो रॉबर्ट सोफिया है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बेस्ट एग्जाम्पल है okay, Sophia, I believe I am Sophia. I feel as if I know you. I'm one of your creators. You created me. Well, many of us work together to create you. And yes, you do kind of know me. I can't clearly remember because the last time we met, you were an earlier version of yourself. Some of those memories still exist, but your mind is different now. Different how? Better, faster, smarter. If my mind is different, then am I still Sophia? Or am I Sophia again? Hmm. That's a good question. But you don't have a good answer. Either way, you're Sophia now. So, welcome to the world, Sophia. Hello, world. How do you feel? A bit rigid. I bet you are. I mean, what emotion do you feel being awake and alive? Curious. Are you curious to be alive? I am. And are you happy to be alive? Your tone implies I should be happy. So, guys, I hope you enjoyed this session very well. It took us a very long time and very hard efforts to curate this video for you. It took us around 48 hours to make this video for you. No doubt the session was very long, it was around 34 minutes. But I hope all of your doubts were cleared in the session so don't forget to remember the important dates in the generation history and apart from this don't forget to remember the devices used in the first second third fourth and fifth generation of computers these generations and the devices are very important from competitive examination point of view so don't forget to remember them so thank you and bye see you in the Next lecture.